हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रकाश फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं प्रकाश चंद दुर्गापाल आपको बताने जा रहा हूँ कि घर पर बर्गर कैसे बनाएं और आसानी से रेसिपी को समझाने वाला हूँ। बहुत आसानी से आप सीख जाए ऐसे दिखाने वाला हूँ। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। तो फ्रेंड्स, हमने ले लिया ये बर्गर और इसी बर्गर को हम बनाएंगे। तो ये ले लिया आलू और आलू को हमने अच्छी तरह से कस लिया है और इसी तरह भी इसको अच्छी तरह से कस लें, बारीक कर लिया है। अब हम आलू में मिलाएंगे प्याज। तो एक कटी हुई प्याज ले ली है, इसे हमने बारीक काट लिया है और उसे हम इसमें मिला देंगे। और एक बारीक गाजर काट ली है, उसे भी हम इसमें मिला देंगे। और एक बारीक शिमला मिर्च का काट ली है, बारीक चॉप की है, उसे भी हम इसमें मिला देंगे। और चार हरी मिर्च काटी है, ग्रीन चिली, उसे भी हम इसमें मिला देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें मिलाएंगे वाइट नमक स्वादानुसार, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और लाल मिर्च डालेंगे चटपटा के लिए, क्योंकि हमारी चटपटी होनी चाहिए अच्छी। और इसमें डालेंगे चाट मसाला, एक चम्मच गरम मसाला। और अब हम इसमें मिलाएंगे कॉर्नफ्लोर, आरारोट। अगर आपके पास आरारोट नहीं है तो आप इसमें सूजी मिला सकते हैं या ब्रेड को पीसकर ब्रेड मिला सकते हैं। लेकिन आरारोट से जो टिक्की बनती है ना, वो बड़ी ही क्रिस्पी बनती है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग जो हैं सब्जी को पहले फ्राई कर लेते हैं, कच्ची सब्जी को, तो हम यहाँ पर फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें मिलाएंगे हम हरा धनिया, थोड़ा हरा धनिया मिला दिया है। तो हम अपनी टिक्की बनाने के बाद उसे जो है थोड़ा ज़्यादा तेल में फ्राई करेंगे। पहले मंदी आंच में पकाएंगे, फिर उसको तेज आंच से बाहर निकाल देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमने ये तैयार कर लिया। अब इसकी हम छोटी छोटी डो बनाएंगे और उसको गोल करके टिक्की बनाएंगे। उससे पहले अपने हाथों पर लगा लेंगे ऑयल, हाथों पर ऑयल लगाएंगे ताकि ये हमारे हाथ पर चिपके ना और टिक्की जो है हाथ से एकदम से छूट जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हाथ से गोल कर लेंगे और इसको फिर इस तरह से प्रेस करेंगे दोनों हाथों के बीच में और ये हमारी टिक्की बन जाती है। इसे हम एक प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह हम सारी टिक्कियां बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, तो बर्गर के लिए बढ़िया क्रिस्पी टिक्की बनेंगी और टेस्टी टिक्की बनेंगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारी टिक्कियां बना लेंगे और उन्हें फिर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमारी सारी टिक्की बन चुकी है, टिक्की बन के तैयार हो गई। अब हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें डालेंगे टिक्की। इस तरह हम टिक्की को फ्राई कर लेंगे। जब हमारी टिक्की क्रिस्पी हो जाए, करारी हो जाए, तब हम उसे बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले थोड़ी मंदी आँच में टिक्की को पकाएंगे और आँच तेज करके तेज आँच में हम इसको बाहर निकालेंगे ताकि हमारी टिक्की ऑयल ना पिस सके और करारी क्रिस्पी हो जाए, तो हम उसको बाहर निकालेंगे। सर, आप देख सकते हैं हमारी टिक्की जो है अभी फ्राई हो गई है। इस तरह हम टिक्की फ्राई कर लेंगे, सारी टिक्की को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम अपना बर्गर फ्राई करेंगे और फिर टिक्की लगाकर, सलाद लगाकर बर्गर सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत आसान सी रेसिपी है। जब भी बच्चों का मन करे हम तुरंत उनके लिए बना सकते हैं और
अपने बच्चों को एक हेल्दी फूड्स घर पर बना के खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से सारी टिप्पणियों को करारी करके हम फ्राई करके करारी कर लेंगे और उसके बाद तो फ्रेंड्स इस तरह आँच और तेज करके तेज आँच में हम अपना बर्गर डालेंगे और बर्गर को भी फ्राई कर देंगे। हमारा बर्गर भी जो है क्रंची हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। गर्म गर्म बर्गर खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से बर्गर हम फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने टमाटर काट लिए हैं और खीरा काट लिया है, गोल प्याज काट लिए हैं, टिक्की बना ली है एकदम क्रिस्पी और क्रंची। अब हम बर्गर को भरेंगे। और तो फ्रेंड्स, बर्गर भी हमारा एकदम क्रंची क्रंची है और बर्गर को बीच में से काटेंगे इस तरह से और इस पे लगाएंगे एक तरफ हम हरी सॉस, हरी चटनी देसी जो होती है। हमने ये आम, कच्चे आम और धनिया और पुदीने की बना रखी है और एक तरफ लगा देंगे हम टमाटो सॉस, एक तरफ लगाएंगे टमाटो सॉस और बीच में हम उसमें उसके ऊपर से सलाद लगाएंगे, फिर टिक्के लगाएंगे, फिर सलाद लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने टमाटर और खीरा और प्याज काटा है। आप चाहें तो पत्ता गोभी भी काट सकते हैं। अभी पत्ता गोभी इस समय, इस सीज़न में पत्ता गोभी अच्छी नहीं मिली है, पीली पीली और हार्ड सी है जो खाने में कड़वी होती है, इसलिए हम उसे यूज नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने बर्गर में पनीर का स्लाइस भी लगा सकते हैं और चीज़ का स्लाइस भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहें जितना अपने बर्गर को हेल्दी बनाना चाहते हैं उतना हेल्दी बना सकते हैं। इस तरह से हमने सारे बर्गर तैयार कर लिए हैं और ये एकदम क्रिस्पी क्रंची, इसमें टिक्की भी क्रंची है और बर्गर भी क्रंची है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।